अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है हमेशा की तरह खैरियत से होंगे, और खैरियत से तो आप लोग होना भी चाहिए क्योंकि रोज़ आपके लिए नई नई वीडियोस आती हैं। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से बीच में स्किप हो जाती है वीडियोस के लिए माजरत, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए रोज़ वीडियोज़ लेकर आऊँ डिफरेंट तरह की, जिससे आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप लोग फ़ायदा उठा सकें। और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताया करें कि आप लोग को वीडियोस कैसी लगती हैं और आप लोग नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं। तो आज हम लोगों ने विजिट किया था अलकरम स्टूडियो का, जिसमें आपको सेल भी दिखाई है और इनकी न्यू अराइवल भी दिखाए हैं। तो आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा, मिक्स चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो ये जो है इनका था पफ कलेक्शन, मतलब कि इनकी जो स्लीव्स इन पे पफ बना हुआ था, ये आपको मिल रहा था 2347 रुपीज़ का। और ये इनके न्यू अराइवल थे, जो कि फैब्रिक था इनका कुछ कैम्ब्रिक था और कुछ लॉन था। तो इन सब की स्लीव्स जो है पफ स्टाइल में बनी हुई है। अच्छा, जैसे कि मैं पिक्चर्स भी शेयर करती हूँ, तो जिनकी पिक्चर्स अवेलेबल होती हैं मैं वही शेयर कर पाती हूँ, जिनकी नहीं होती उनके लिए माजरत। पिक्चर शेयर करने का मतलब ये होता है कि जिनमें कलर में काफ़ी डिफरेंस आ रहा होता है वेबसाइट पर और रियल में, तो फिर मैं चाहती हूँ कि आप लोग साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करने से पहले देख लें कि इनके कलर्स क्या हैं। तो ये प्रिंट इनका बहुत खूबसूरत लग रहा था, और ये भी पफ कुर्ती थी जिसके प्राइस थे 2347 रुपीज़। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे ऑफ भी लगा हुआ था, इनकी विंटर पे भी लगा हुआ था और समर पे भी लगा हुआ था। इसके अलावा ये एम्ब्रॉयडर्ड कैम्ब्रिक में आ गई, इसके प्राइस थे 3862 रुपीज़। और कैम्ब्रिक है, मतलब आप लोग ईद पे भी इसको वेयर कर सकते हैं। मुझे इनकी कलेक्शन बहुत प्यारी लगी, और एम्ब्रॉयडरी पे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑफ लगाया हुआ था। इसके अलावा इन्होंने मतलब प्रिंट भी इनके बहुत खूबसूरत थे, प्रिंट पे भी बहुत अच्छा लगाया हुआ था ऑफ, और इनकी जो है डिटेलिंग वगैरह भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, इसके अलावा इनके पास एक और फैब्रिक था रॉ सिल्क का, तो वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। और टू पीस थ्री पीस सब मैंने आप लोग को दिखाए हैं। ये जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये कुर्ती थी, इसके साथ ट्राउज़र भी इंक्लूडेड था। इसके प्राइस थे 3862 रुपीज़। जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया आप लोगों को, जिनके न्यू अराइवल है उनके थोड़े से प्राइस हाई हैं, लेकिन जब इन पर सेल लगेगी तो ये भी फ्लैट पर आ जाएंगे। तो जैसे कि ये इनका टू पीस था, और ये था 3640 रुपीज़ का, ये भी कैम्ब्रिक में था, प्रिंटेड था, इसकी डिटेलिंग हुई हुई थी। और इसके साथ आपको मिल रही थी शलवार, शायद शलवार की वजह से इन लोगों ने ये प्राइस रखे थे। इसके अलावा एक इनका ये भी न्यू अराइवल में था, ये भी टू पीस था, और ये भी कैम्ब्रिक फैब्रिक पे था, इसके प्राइस थे 5250 रुपीज़। और ये फ्रंट से जो है थोड़ा सा ओपन था, और इसकी स्लीव्स भी बनी हुई थी। जो मैंने रियल में देखा है मैं आप लोगों को वही डिटेल दूंगी। इसके अलावा ये कुर्ती थी इनकी एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती थी, और ये आपको मिल रही थी 2550 रुपीज़ की। इसका जो है नीचे का दामन राउंड था, उसके बाद इस पर आ जाए तो ये रॉ सिल्क का था, ये थोड़ा फॉर्मल में आता है, इसका नीचे तक एम्ब्रॉयडरी भी थी, इसकी पिक्चर नहीं थी, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करती। इसके प्राइस थे 5635 रुपीज़। और इसका दुपट्टा जो था वो शेफोन का था, और इसकी शर्ट फ्रंट से फुल एम्ब्रॉयडर्ड थी। अच्छा, इसके बराबर में आ जाते हैं, तो ये वाला आपको मिल रहा था थ्री पीस प्रिंटेड, और ये था 4660 रुपीज़ का। तो ये जो था ये लॉन पे था, और इसका शेफोन का दुपट्टा था, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, इसके साथ शलवार थी। अच्छा, इसकी स्लीव्स अगर आप लोग लगवाना चाहें तो स्लीव्स का कपड़ा जो होता है वो लोगों ने दिया हुआ होता है, और ये लोग आपको ऑल्टर भी करके दे देते हैं अगर आपको साइज़ का इशू भी हो। इसके बाद इस पे आ जाते हैं, तो ये लॉन का थ्री पीस एम्ब्रॉयडर्ड थी, इवन का न्यू अराइवल था, इसके साथ भी शेफोन का दुपट्टा था, फ्रंट फुल एम्ब्रॉयडर्ड था, स्लीव्स एम्ब्रॉयडर्ड थी, और लेस इसके नेक पे लगी हुई थी। 5452 रुपीज़ इसके प्राइस थे, और ये भी थ्री पीस था। अच्छा, इसकी स्लीव्स भी अगर आप लोग चाहेंगे तो लग जाएगी, जैसा आप लोग को बेहतर लगे, क्योंकि बहुत से लोग समर में जो है वो विदाउट स्लीव्स पहनना पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है स्लीव्स के साथ ही पहनना पसंद करते हैं। उसके बाद ये रॉ सिल्क की कुर्ती थी, इसके प्राइस थे 3262 रुपीज़, यानी कि 3262 रुपये। और उर्दू में मैं आप लोग को इसलिए नहीं बता पाती क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो उर्दू सुनने वाले हैं उनको उर्दू में प्राइसेस मेंशन करूँ, जो इंग्लिश में समझ में जिनको आती है वो इंग्लिश में मेंशन करूँ। अच्छे से स्लीव्स में इसकी फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, और इसके जो है पैनल्स बने हुए थे लेस के साथ। उसके बाद इसके बराबर में जो कुर्ती थी मैं आपको पूरी नहीं शो करा पाई। अच्छा, इसकी भी पिक्चर अवेलेबल नहीं थी, इसकी भी सेम प्राइस थी, ये भी रॉ सिल्क की थी, और इसका फ्रंट जो था एम्ब्रॉयडर्ड था। इसके अलावा इनके पास बैग्स और जो स्लीपर्स होती हैं, अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो वो भी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग। खैर, इनके पास बेड शीट्स भी होती हैं। अच्छा, इसके बाद ये खद्दर की कुर्तीस पे ऑफ लगा हुआ था, ये आपको मिल रही थी 1475 रुपीज़ की, यानी कि 1475 रुपये की। ये प्लेन कुर्तीस थी, मतलब प्रिंटेड थी। उसके बाद खद्दर का ये एम्ब्रॉयडर्ड था टू पीस, और ये आपको मिल रहा था 3490 रुपीज़ का।
और मैंने जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश की ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा सकूं और वीडियो की ड्यूरेशन कम हो। उसके बाद ये टॉप आ गया, मतलब ये इनकी शर्ट है और ये भी एम्ब्रॉयडरीड थी और ये आपको मिल रही थी 1645 रुपीज़ की। इस पर भी ऑफ लगा हुआ था, इसका कलर पिंक था, मतलब बहुत प्यारा सा पिंक कलर जो होता है, बेबी पिंक वो कलर था इसका। उसके बाद ये शर्ट आ गई, ये आपको कुर्ती मिल रही थी एम्ब्रॉयडर्ड खद्दर की, ये थी 2250 रुपीज़ की, 2250 रुपये की। इसका फ्रंट फुल एम्ब्रॉयडर्ड था और इसकी पफ स्लीव्स भी बनी हुई थी और कॉलर इसका बना हुआ था। और इसके बाद आ जाते हैं इस पे, तो ये आपको डाइट कैमरिक कुर्ती इनकी मिल रही थी और ये 1350 रुपीज़ की मिल रही थी। इस पे भी ऑफ लगा हुआ था और कैमरिक इसका फैब्रिक था, सिर्फ इसके पे बटन लगे हुए थे, बाकी ये जो है प्लेन थी। और इसकी पिक्चर भी मैं नहीं शेयर कर पाई, वही बात है, जिसकी पिक्चर अवेलेबल थी मैंने आप लोग के साथ शेयर की, और जिनके कलर का इशू होता है उसकी मैंने लाजमी आप लोग के साथ शेयर की ताकि आप लोग इजी होके शॉपिंग कर सकें। उसके बाद ये एम्ब्रॉयडर्ड खद्दर कुर्ती है, ये आपको मिल रही थी 2275 रुपीज़ की और ये सिर्फ कुर्ती थी और उसका कलर ऑरेंज था। और जैसे कि देख लें आप लोग, उसके कफ भी स्टाइल बना हुआ था, कफ पे भी डिटेलिंग वगैरह हुई हुई थी, इसके नेक पे भी हुई हुई थी। इसकी पिक्चर मैंने शेयर कर दी है तो आप लोग इसे आइडिया लगा सकते हैं कि इसका डिज़ाइन कैसा होगा, इसका फुल लुक कैसा आएगा। अच्छा, उसके बाद इसकी प्राइस भी सेम थे और इसका स्टाइल भी थोड़ा मिलता जुलता था, बस इसके साथ इन्होंने कॉलर दिया हुआ था। और इसकी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ सब सेम प्राइस के हैं और खद्दर इनका फैब्रिक है और ये सब कुर्तीज़ हैं, एम्ब्रॉयडर्ड हैं और साइजेस आप लोग को मिल जाएंगे इसमें। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि इसमें साइजेस आप लोग को मिल जाए और मैं दुआ करती हूँ कि जिनको साइजेस का इशू होता है उनको भी लाजमी मिल जाए। उसके बाद ये भी खद्दर की कुर्ती है और इसकी प्राइस भी 2275 रुपीज़ हैं। और उसके बाद इस पे आ जाते हैं तो ये खद्दर शर्ट है, 1645 रुपीज़ की मिल रही है आपको। शॉर्ट शर्ट है, थोड़ी सी प्रिंटेड है और अच्छी स्टिच हुई हुई है, तो इस पे भी ऑफ लगा हुआ था। जिन पे ऑफ लगा हुआ है उसकी प्राइजेस से आपको आइडिया हो जाएगा कि किन चीज़ों पे ऑफ लगा हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं इस पे, तो ये आपको मिल रही है कुर्ती और इसकी प्राइस भी मैंने मेंशन कर दी है तो आप लोग देख लेगा, पिक्चर भी साथ अटैच है इसकी। उसके बाद ये भी खद्दर की प्रिंटेड कुर्ती थी, ये भी आपको 1645 रुपीज़ की मिल रही थी और ये जो है आपको ऑफ में ही मिल रही थी। उसके बाद ये भी आपको ऑफ में मिल रही थी, ये भी खद्दर की थी, प्रिंटेड कुर्ती थी। अच्छा, इसकी डिटेलिंग वगैरह अच्छी हुई हुई थी, बटन वगैरह लगे हुए थे इस पर, पाइपिंग लगी हुई थी और स्टिचिंग बहुत अच्छी थी इनकी। 1645 रुपीज़ की ये भी आपको मिल रही थी, तो मैंने पूरी कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें दिखाऊं, कम ड्यूरेशन में ज़्यादा चीज़ें दिखा सकूं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। उसके बाद ये लॉन की प्रिंटेड कुर्ती थी, आपको मिल रही थी 1995 रुपीज़ की, ऑलमोस्ट 2000 की। उसके बाद ये आपको मिल रही थी कैमरिक कुर्ती, ये 2850 रुपीज़ की मिल रही थी, ये भी आपको नियर अवेल में मिल रही थी, इस पर ऑफ नहीं था। तो जिस पे ऑफ नहीं होगा वो लोग आप वो जो है आप लोग प्राइजेस से आइडिया लगा सकते हैं कि किस पे ऑफ है और किस पे नहीं। उसके बाद ये भी आपको कैमरिक की कुर्ती मिल रही थी, ये थी 3090 रुपीज़ की और ये भी इनका न्यू अराइवल था। अगर आपको इसकी स्लीव्स इंक्लूडेड करवानी हो तो आप लोग इनसे बात कर सकते हैं, आप लोग को लगा के देंगे स्लीव्स, क्योंकि बहुत सारे लोग स्लीव्स के बगैर नहीं पहन सकते, मतलब ज़्यादातर लोग जो है स्लीव्स के बगैर नहीं पहनते, स्लीव्स के साथ ही पहनते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये जो ये फ्रंट ओपन थी पूरी, ये भी प्रिंटेड लॉन कुर्ती थी, 1974 रुपीज़ की आपको मिल रही थी और इसका प्रिंट भी बहुत खूबसूरत था, इसकी स्टिचिंग भी बहुत प्यारी थी। अच्छा जी, उसके बाद ये भी आपको मिल रही थी खद्दर की शर्ट, ये 1715 रुपीज़ की थी, यानी कि 1715 रुपये की थी, ये भी आपको ऑफ पे मिल रही थी और इसकी स्टिचिंग भी अच्छी हुई हुई थी, प्रिंट भी इसका अच्छा था, वो आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। अच्छा, कलर डिफरेंस आप लोग पिक्चर और वीडियो में देख सकते हैं, जो वीडियो में कलर आ रहे हैं वो ओरिजिनल कलर होते हैं और जो पिक्चर दिखा रही हूँ वो आपको थोड़ी सी लाइटिंग की वजह से 19-20 हो जाता है। अच्छा, ये किड्स कलेक्शन थी इनकी, 3090 रुपीज़ की फ्रॉक मिल रही थी आपको और फैब्रिक इसका जो था वो लॉन था, चिकनकारी में था ये। अच्छा, दो तीन ही मैंने शेयर किए आप लोग के साथ किड्स की। इसके बाद ये किड्स की आ गई, ये 2 पीस मिल रहा था आपको प्रिंटेड 3150 रुपीज़ का, यानी कि ये 3015 रुपीज़ का आपको मिल रहा था, 50 रुपीज़ का सॉरी मिल रहा था। और इसके बाद दूसरा भी 2 पीस है, तो ये जो है 3 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स तक की बेबीज़ के थे इनके पास, ये भी 2 पीस था और ये 3690 रुपीज़ का आपको मिल रहा था। तो इनके पास काफ़ी कलेक्शन थी, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक सिर्फ किड्स पे भी आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊंगी, मेंस की देखनी है तो मेंस की भी दिखा दूंगी आप लोगों को अलकरम पे। और ये इनका न्यू था 3 पीस एम्ब्रॉयडरी लॉन का, 5590 रुपीज़ का। ये सिर्फ मैंने आप लोग का दो शेयर किए हैं, तो अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इनकी अनस्टिच न्यू कलेक्शन देखना चाहते हैं, तो मैं उस पर भी फुल वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मुझे इसके साथ ही दीजिए इजाज़त, मुझे दुआओं में रखिएगा याद, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग कौन सी देखना चाहते हैं और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।